फरुखाबाद के लोकप्रिय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, माननीय विधायक फरुखाबाद सदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, माननीय विधायक भोजपुर श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, माननीय विधायक कायमगंज डॉक्टर सुरभि जी, माननीय विधायक अमृतपुर श्री सुशील कुमार साक्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोनिका यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता जी, लोकसभा प्रभारी अजय ठाकरे जी, दिनेश कटियार जी। 288.23 करोड़ की 192 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के लिए बनाया माहौल। छात्रों को मोबाइल वितरित करते हुए दिया नारा कि अब की बार 400 पार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद फर्रुखाबाद आगमन हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर रखी थी और तैयारी व समय अनुसार मुख्यमंत्री के शहर के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में अपना संबोधन करते हुए छात्रों को मोबाइल वितरित किए। इसी के साथ 288.23 करोड़ रुपए की 192 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मौके पर जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद मुकेश राजपूत, सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, कायमगंज विधायिका सुरभि गंगवार, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फर्रुखाबाद जनपद से संबंधित कई बड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव का माहौल भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के पक्ष में करते हुए मंच से ही अब की बार 400 पार का नारा देते हुए कहा। यहाँ पर सांसद जी भी कह रहे थे और हमारे विधायक गण भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे, और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारा सर्वे का काम चल रहा है और फर्रुखाबाद होते हुए मां गंगा को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेगी। उसके लिए हम लोग अपनी पहले भी कह चुके हैं कि कार्य होना है। फर्रुखाबाद वासियों को इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और योजनाओं को आपके जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं। हम लोग इसको गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद ने, जिस जनपद ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हों, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था, और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के चीर हरण के दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत मां का लाल था तो वह थे इसी धरती के सपूत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। उन लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी के उन षड्यंत्रों को पूरी तरह दूर करते हुए एक आह्वान किया था, राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, अपराधीकरण समाप्त होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आभारी हूं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश की जनता जनार्दन का, कि हम लोगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज ऐसा बना के रख दिया है
कि पूरे देश के अंदर कानून का राज के बारे में जब चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की सब लोग चर्चा करते हैं।